studies. Yes, now let's come to the topic. I think we were doing the evidences in favor of evolution, right? So we have done with the homologous and analogous organs. We have done the differences between these two. Okay, now next one is vestigial organs, correct? Next evidence is vestigial organs. See, vestigial organs मतलब वो organs जो कभी हमारे ancestors के अंदर present थे और functional भी थे. आज के time में वो हमारे अंदर present तो हैं, लेकिन rudimentary form में. Okay, the organs which are rudimentary but functional in our ancestors, fully functional in our ancestors. Okay, तो ये यहाँ पर ये rudimentary word आया है. What does it mean? Rudimentary का मतलब होता है non-functional. Okay, this word is a technical term for the non-functional. कि वो present तो होता है, लेकिन अभी काम नहीं करता, उसको कोई function नहीं है. और हम जानते हैं कि हमारी body में ऐसे बहुत सारे organs हैं, जैसे हमारी body पर hairs, जैसे हम लोग कहते हैं कि यार ये बालों का क्या काम है, फुआ ने क्यों ये बाल दिए हैं. बट अगर आप सोच के देखो कि पहले अगर हम लोग अपने आदि मानव हुआ करते थे, तो उस टाइम पर ना तो घर होता था, ना ढंग के कपड़े होते थे. अब तो सर्दियाँ आए तो चार तो हम लोग नीचे डाल लेते हैं, और फिर भी ऊपर मम्मी जैकेट पहना देती कि नहीं पर स्कार्फ और ओढ़ ले, जो हम ओढ़ते नहीं है क्योंकि हमें तो फैशन के टाइम पर ठंडी लगती. ठीक है, जब हम लोग कॉलेज टाइम तक होते तो हमें ठंड नहीं लगती है, वो बाद में ठंड लगने लगती है हमें. हम भी उनमें से एक थे. ओके, तो लेकिन उस टाइम पर ना तो घर होते, ना ढंग से कपड़े होते, तो नेचर ने जो उनको दिया होता उस टाइम पे वो बाल दिए होते. उस टाइम पे घने बाल होते थे बॉडी के ऊपर, जो क्या करते थे, उनके लिए हीट एब्जॉर्बर का काम करते थे. ठीक है, हेयर्स हो गए. उसके अलावा अगर हम लोग बात करें निक्टिटेटिंग मैम्ब्रेन, ये हमारे यहाँ पर जो आइस के बिल्कुल कॉर्नर में ये पिंक सी एक लेयर नहीं इकट्ठी हो रखी होती है, ये क्यों होती है? जब पहली हमारी एक्वेटिक लाइफ में इसका काम होता है, क्योंकि ताकि हम लोग क्लियरली विजिबल हो, मतलब आई के लेंस पे दिक्कत ना हो. लेकिन अभी क्योंकि हमारी लाइफ पानी से बाहर आ चुकी है, तो अब इसका काम नहीं है. तो ये हमारी प्रेजेंट तो है, लेकिन इसका कोई काम नहीं है. इसके अलावा हमारी टेल बोन, हमें पता है ना कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो माँ बाप हुआ करते थे, कौन थे? बंदर थे, लंगूरों से आए हैं, तो उनके पास टेल होती थी. लेकिन अभी हमारी टेल नहीं है, तो क्या है हमारे पास? टेल बोन प्रेजेंट है अभी भी, लेकिन टेल नहीं होती है, रुडिमेंट्री फॉर्म में प्रेजेंट है. तो देयर आर विजडम टीथ हो गए हमारे, तो विजडम टीथ अब नहीं होते, आते हैं लेकिन वो कोई फंक्शन नहीं होता, आए ना आए एक ही बात है. ठीक है, बट वो हमारे सिस्टर्स में फंक्शन हुआ करते. अच्छा, आप लोगों ने ये भी सुना होगा मे बी कि हमारा जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है वो नॉन फंक्शनल होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन होता है. ठीक है, वो हमारे एंसेस्टर्स में अगर देखें तो वो प्रेजेंट क्यों हुआ करता था? क्योंकि उस टाइम का खाना जो था, अब तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा भी कच्चा नहीं खाते, हमें सैलड खाने से नफरत है, जबकि बहुत अच्छा होता है कि हमारे वो हमारी जो डाइजेस्ट सिस्टम होता है उसको अच्छा करते हैं. पहले तो कच्चा पका जैसा भी मिलता था, बस पेट भरना होता था, तो काफ़ी फंक्शनल था वो, क्योंकि उसको हर तरह का खाना पचाना होता था. अब तो हम थोड़ा सा दिन में दो पराठे आलू के खा ले, वही नहीं पच के देते कि यार उसी से हमें एसिडिटी दिक्कत होने लग जाती है, क्योंकि अभी हमारा लाइफ स्टाइल भी चेंज हो चुका है जो हमें दिक्कत करते हैं, हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं. ठीक है, लेकिन वैसे ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही नॉन फंक्शनल है. अभी रिसेंट स्टडी हुई है कि अगर किसी के अंदर, जैसे कईयों के अंदर स्टोन हो जाता है तो वो अपना अपेंडिक्स निकलवा देते हैं, तो उनके अंदर डाइजेशन का दिक्कत रहता है, उनको खाना जल्दी से पचता नहीं, बहुत हल्का खाना लेना पड़ता है. ठीक है, और इसके अलावा जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में जो बता रही हूँ, वहाँ पर कुछ हमारी इम्यून सेल्स बनती हैं. ठीक है, जो हेल्पफुल होती है. तो इस तरह के और जो इंसान होते हैं, जो इंडिविजुअल होते हैं जिनके अंदर अपेंडिक्स निकाल दिया जाता है, उनके अंदर इम्यूनिटी भी थोड़ी सी वीक हो जाती है. खैर, थोड़ा बहुत अगर कोई बॉडी का पार्ट है वो निकलेगा तो थोड़ा बहुत तो उसका असर तो पड़ेगा ही बॉडी के अंदर. तो दीज आर सम वेस्टिजियल ऑर्गन्स. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अटेविज्म की. अटेविज्म क्या होता है? जो हमारे एंसेस्टर्स में प्रेजेंट था अब नहीं है, लेकिन
somehow वो अपीयर हो जाए. जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना कि भाई एक बच्चा पैदा हुआ है जिसकी पूंछ है, पूंछ के साथ पैदा हुआ है, तो पूंछ हमारे एंसेस्टर्स में थी. अब नहीं होती है, जनरली नहीं होती है, लेकिन वो कोइंसिडेंटली हमारे अंदर अपीयर हो जाए. मतलब कोई एंसेस्ट्रल कैरेक्टर जो अभी नहीं नहीं रहा है लेकिन वो अपीयर हो जाए. किसी किसी के अंदर पूंछ, किसी किसी क्योंकि बॉडी पे बहुत ज़्यादा घने बाल होते हैं, ठीक है. तो ये क्या है, ऐसे कैरेक्टर जो हमारे एंसेस्टर में प्रेजेंट थे बट वो अब नहीं है लेकिन वो समहाउ अपीयर हो जाते हैं, दैट इज एटाविज्म. ओके, अच्छा एक हमारा एम्ब्रियोनिक एविडेंस और आता है, एम्ब्रियोनिक एविडेंस मतलब एम्ब्रियो शो करते हैं कि हमारा जो जो लाइफ है, जो हमारी एवोल्यूशन है, वो हमारा एक ही, मतलब हम पीछे से आए हैं. अगर आप लोग देखो हमारा हमारी फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, अगर हम इन पांचों का एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की स्टेज, एम्ब्रियो जानते हैं क्या होता है, जो अंडर डेवलप्ड जो फीटस होता है उसको हम लोग एम्ब्रियो बोलते हैं. जब मदर की वो में वो स्टार्टिंग के पीरियड्स होते हैं उस टाइम पर जो फीटस होते हैं, जो बेबी होता है, अंडर डेवलप्ड बेबी मदर की वॉम में, ओके, तो उसको बोलते हैं हम लोग एम्ब्रियो होते हैं. मतलब जायगोट, अगर जायगोट है हमारा, उसके अंदर कुछ स्टेजेस डिवीजन होने के बाद ही वो एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है कुछ टाइम तक के लिए, ठीक है. उसके बाद फिर हम उसको फीटस नाम देते हैं. ओके, तो अगर हम लोग फिशेस का, एम्फीबियंस का, रेप्टाइल्स का, बर्ड्स का और मैमल्स का एम्ब्रियो देखे तो हमारा एम्ब्रियो सबको सिमिलर मिलेगा. मतलब एक जैसे से देखेंगे वो, आप ही देखिए फिश का एम्ब्रियो तो बिल्कुल हमारे जैसा एम्ब्रियो है, अंडर डेवलप्ड जो फीटस है. तो इसका मतलब क्या है कि वो अंदर एक जैसे, यानी कि बाद में उनके अंदर क्या हुआ, एक स्टेटमेंट आती है, ओंटोजेनिक रिपीट फाइलोजेनिक. ध्यान देना इस स्टेटमेंट पर, ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी. तो ओंटोजेनी क्या होती है, ओंटोजेनी मतलब डेवलपमेंट हिस्ट्री, डेवलपमेंट हिस्ट्री, और फाइलोजेनी होती है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री. ये एक स्टेटमेंट है. देखो कि हमारे, हम जब डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो हम लोग कहाँ से आए हैं, कैसे कैसे आए हैं, पहले वो रिपीट होता है. मतलब अगर हम लोग अपने सभी कैमरे को देखें तो हमारा सेम है, कॉमन है, ठीक है, एक जैसे होता है. बाद में जब डेवलपमेंट हो रही होती है, मतलब जैसे जैसे हम लोग आगे जाते तब हमारे स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर्स आते हैं जो हमारे अंदर है सिर्फ. अगर हम लोग पहले स्टार्टिंग में देखें तो सारे एक जैसे वो कैरेक्टर्स अपीयर होंगे जो हम सबके अंदर कॉमन है, ठीक है. जैसे अगर हम लोग देखें, आप हम जानते हो कि अगर आप बर्ड का, अगर आप एम्ब्रियो देखो तो उसमें टूथ होता है, दांत होते हैं, जबकि बर्ड्स के का जो, अगर आप बर्ड्स के जो एडल्ट बर्ड है, मतलब जो मैच्योर्ड बर्ड होता है बाहर निकलने के बाद, तो उसकी बीक होती है, उसको टूथ नहीं होता है. तो टूथ है, इसका मतलब क्या है कि जो बर्ड्स हैं वो कहाँ से आए हैं, रेप्टाइल्स से, तभी तो उनके एम्ब्रियो में क्या है, टूथ है. फेदर्स नहीं होते, इसका मतलब क्या है, रेप्टाइल्स हैं, फेदर्स तो उनके बाद में आए हैं जो उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. ओके, जैसे अगर हम लोग बात करें एम्फीबियंस में, फ्रॉग का जो लार्वा है, टैडपोल, वो फिश जैसा होता है. इसका मतलब क्या है कि वो फिश से आया है, बाद में उसने एम्फीबियन कैरेक्टर मतलब एडल्ट स्टेज में गेन किया है. ओके, तो ये क्या शो कर रहे हैं हमारे, कि हमारी जो डेवलपमेंट हिस्ट्री है वो हमें बता देते कि हम लोग कहाँ से आए हैं, कि हमारा एवोल्यूशन कहाँ से हुआ है, ठीक है. तो फाइलोजेनी का मतलब एवोल्यूशन होता है, कहीं पर तुम्हें फाइलोजेनी दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि हम लोग कहाँ से आए हैं वो हमारी डेवलपमेंट में शो हो जाता है. इसको ओंटोजेनी रिपीट फाइलोजेनी जो स्टेटमेंट है, ये हम लोग पढ़ते हैं बेयर्स लॉ के अंदर. ओके, रिकैपिटुलेशन थ्योरी. रिकैपिटुलेशन थ्योरी क्या बोलती है, कि भाई हमारे अंदर हम कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, पहले कहाँ से आए हैं, वो चीज़ें होती हैं जब हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है. तो ये जो स्टेटमेंट है ना, वो हम किस थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखी हूँ मैं, रिकैपिटुलेशन थ्योरी. रिकैपिटुलेशन थ्योरी, ओ वी कैन से बेयर्स लॉ, क्योंकि इसको बेयर्स ने दिया था.
उसको बाद में इसकी मॉडिफिकेशन भी हुई थी. तो मेरी बात समझ रहे हो ना, एग्जाम्पल्स का बहुत बड़ा है कि एम्फीबियन में जो टेडपोल लार्वा होता है, जो फ्रॉग का लार्वा है, उसका नाम होता है टेडपोल लार्वा. ओके, वो फिश जैसा दिखता है, बिल्कुल स्विम करता है, उसकी पूंछ होती है, उसके वो नहीं होते हैं क्या बोलते हैं ना, तो उसके ऊपर मतलब बिल्कुल फिश जैसा होता है. आप लोग देख सकते हो, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा. तो इसका मतलब क्या है कि जो उसका जो लार्वल स्टेज है वो क्या शो कर रही है, फिश जैसे करके, यानी कि वो फिश से आया, बाद में मैच्योर होके वो फ्रॉग बनते हैं. ओके, तो ये हमारे क्या थे, कुछ एविडेंसेस जो ये दिखाते हैं कि भाई हम एवोल्यूशन हुआ, हमारा जो एवोल्यूशन है वो पीछे से बैक से हम लोग सेम है, बाद में हमारी ब्रांचेस अलग अलग हो गई है. ओके, नाउ दैट्स इट फॉर नाउ. नेक्स्ट अगर मेरा इस चैप्टर में कोई और टॉपिक रहता है तो वो मैं देख लूँगी. बाकी अगर आप लोगों को इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो तो वो प्लीज़ मुझे शेयर करना. ओके, अगर आप लोग कमेंट करोगे, मुझे प्रॉब्लम्स बताओगे, तो ही मुझे ये पता चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हो, वरना मुझे लगेगा कि आप लोग तो ठीक है टाइम पास कर रहे हो और सही सच पूछो. तो ये चीज़ें हमें बाद में पता चलती हैं, जो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं ना कि समय बर्बाद करने की चीज़ नहीं होता, क्योंकि टाइम लौट कर नहीं आता. एक्चुअली टाइम लौट कर कभी नहीं आता. ओके, तो टाइम वेस्ट मत करो और अपना प्लीज़ फोकस रहो. आप लोग इतने प्रिविलेज नहीं रहोगे कि आपके बिना पास करे ही आपको आगे प्रमोट कर दिया जाए 11th में. ओके.